कुछ नहीं है, माचिस ही नहीं। ख्याल देखिए माचिस पे क्या आया। अर्ज किया है जब कोई माचिस मिली हमको ना तरन्नुम से, तरन्नुम से जब कोई माचिस मिली हमको ना कोई लाइटर, जब कोई माचिस मिली हमको ना कोई लाइटर। हमने कुछ तरकीब ऐसी की कि शोला जल गया, हमने कुछ तरकीब ऐसी की कि शोला जल गया। अर्ज कीजिए अब मिजाज यार की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था बेगम का कि चूल्हा जल गया। हाँ, नहीं जला, ये कैसे मुमकिन है? हैरत है, बेगम के ख्याल से चूल्हा नहीं जला। अरे बेगम का ख्याल तो वहशत से भी ज्यादा गर्म है, और गालिब तो वहशत से सहरा जला दिया करते थे, यहाँ बेगम के ख्याल से चूल्हा नहीं जल रहा। चूल्हा जलाने के लिए ना मिर्सा माचिस और माचिस खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मुफ्त में तो एक तीली नहीं मिलती। यानी हद हो गई शमीमारा, आपके पास अब एक माचिस मंगाने को पैसे नहीं है, तो क्या आप हमें कप चाय का भी नहीं पी सकते? तुम कमा के लाते हो एक पाई जो इस तरह कह रहे हो? अरे तुम्हारे साहबजादों का कमाने का काबिल कर दिया, अब तो हमको आराम करने दो। तुमने नहीं बनाया कुतुबुद्दीन को इस काबिल, मेरा बच्चा बचपन से मेहनत करके इस काबिल बनाया कि घर का खर्च चल रहा है, वरना तुम तो उसे पढ़ाना चाहते थे। अल्लाह खुदा ना खास्ता वो पढ़ लिख जाता तो तुम्हारी तरह सुबह शाम गालिब के शेरों और उनकी रूह को आग लगाता रहता। शुक्र है मेरा बच्चा इलेक्ट्रीशियन बन गया, इसलिए तो इस घर का खर्च आराम से चल रहा है। माचिस फिर भी नहीं है घर में, तो कभी तुम ही अपनी कमाई से एक माचिस ला दो। नहीं लेकिन तुम क्यों कमाई करोगे, तुम्हारे तो बाप दादा ने कभी मुलाजमत नहीं की। मुलाजमत करना हमको जेब नहीं देता, हमारे पुरखों में भी कभी किसी ने किसी की मुलाजमत नहीं की शमीमारा, क्योंकि शजरा हमारा मिलता है नवाबों से। और हरकतें भी तुम्हारी मिलती हैं नवाबों से, बिल्कुल उन्हीं जैसे निकम्मे हो। शमी मारा तुम्हारा बच्चा तो निकम्मा नहीं है, उसी से एक माचिस मंगा दो। हाँ मेरा बच्चा थका रहा है और मैं उसी माचिस लेने भेज दूँ। जरा मुझे ये फरमा देंगी आपके छुट्टी के रोज आखिर वो कहाँ से थका रहा आएगा? मेरा बच्चा छुट्टी वाले दिन भी मेहनत करता है, प्राइवेट काम पकड़ता है, तभी तो इतने पैसे आ जाते हैं कि ये घर का खर्च आराम से चल जाता है। अच्छा है। हाँ अच्छा है, इसीलिए तो छत पे चढ़ा कुंडा डाल रहा है अभी पड़ोसियों का। और कमबख्त कुंडे की कमाई खिलाता हमको, लानत है, ला हौल वला कुव्वत। क्या बात है, क्यों तू रेल के इंजन बना हुआ है? आहिस्ता तो बोल, अभी अम्मा ने सुन लिया ना हमारी रेल का डब्बा काट देंगी आके, फिर हमारी प्यार की रेल कभी भी स्टेशन नहीं पहुंच पाएगी। हाँ तो तेरी अम्मा को काट पीट के अलावा और आता ही क्या है? मेरे अब्बा को भी हर वक्त काटने के लिए दौड़ती रहती है। हाँ तो तेरा अब्बा जब वक्त पे किराया नहीं देगा तो अम्मा काटने को दौड़ेगी ना। हाँ तो तू अपनी बकबक बंद कर, तू मुझे बता तू यहाँ पे क्यों आया, जा यहाँ से। कुंडा डालने। क्या? मेरा मतलब है कि वो मैं ना अम्मा से झूठ बोल के आया हूँ कि मैं ज़किया खाला के घर कुंडा डालने जा रहा हूँ छत पे। शुक्र है उसने देखा नहीं आगे कि मैं कुंडा डाल कर आ रहा हूँ। तुझ पे तो पता नहीं कब से कुंडा डाल चुका हूँ, मगर तू है कि अभी तक करंट मारती है। हाँ तो मैं तो वो मोहब्बत का करंट मारती हूँ ना, वो भी 0 वाट का। मगर तू सुन ले, जिस दिन मेरे अब्बा को पता चला ना, वो तुझे 1000 वाट के झटका मारेंगे, तू देखना। तेरा अब्बा ने अगर मुझे झटका मारा ना, कसम खुदा की मैं अम्मा से शिकायत लगा दूंगा, पूरे PMT की तरह फटेंगे तेरे अब्बा के ऊपर। हाँ मैं भी शमा मारा का बेटा हूँ। जुलेखा, ओ काम मार गई है तू। और नीचे आ। जब देखो छत पे कोई काम ही नहीं। जुलेखा, आदाब, जाती रहो। मेरे ख्याल में आप जीती रहो कहना चाह रही हैं, है ना? नहीं, मैं जाती रहो ही कहना चाह रही हूँ। अब बदनाम है क्या? अभी इतने ज्यादा तो नहीं है,
लेकिन अगर तुम इसी तरह उनके आगे पीछे घूमती रही ना तो जरूर हो जाएंगे। क्या बदनाम और क्या? मैं तो उनसे सिर्फ एक शेर का मतलब पूछने आई हूँ। हाँ तो तुम आती यहाँ पे मतलब से हो? असल में वो तो आप असल में इनके मतलब का गलत मतलब ले रही हैं। वो तो एक शेर का मतलब पूछने आई है। आप पूछिए ज़बुन साहब, क्या पूछना आपको? अर्ज करती हूँ, तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। वाह। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले? हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें इस शेर का मतलब। इस शेर का मतलब ये है कि जब दोनों ही इंसानों की ढीठ नस्ल से ताल्लुक रखते हों तो क्यों ना बेगैरती का लिबादा ओढ़ के खुल्लम खुल्ला लोगों की नजरों में धूल झोंकते रहें और शेर पूछते और बताने का खेल खेलते रहें। बदनाम जी, मेरे ख्याल में आपकी जौजा मोहतरमा का मूड कुछ ठीक नहीं है, मुझे जाना चाहिए। See you, baby. चलो चलो अंदर बेबी बेबी। क्या कर रही है तू उधर? मैं इस्त्री खराब कर रही हूँ। हैं? और क्या कहा तूने? वो अब मैं आपके वो वर्दी आपकी वर्दी इस्त्री कर रही थी मैं। वो तेरे हाथ में तो खाली इस्त्री है, वर्दी कहाँ है? वो रही ना अब्बा। हैं? ये पड़ी वर्दी और तू क्या इसको फूके मार मार के इस्त्री कर रही है? अब्बा वो तो मैं इस्त्री। क्या हुआ पुत्र? अब मुझको समझ आ गई है, पर जब से मैं इस इलेक्ट्रिशियन के घर में किराए पे आए हैं ना, तुझे करंट ज्यादा लगने लग गए। अब्बा वो मैं। और तू हर किसी दूसरी चीज से चिपक जाती है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है अब्बा? मैं कोई जानबूझकर थोड़ी चिपकती हूँ। अरे मुझे पता है तेरा कोई कसूर नहीं, ये जो इलेक्ट्रिशियन की जंजू माँ है ना, वही पढ़ पढ़ के फूकती होगी। वो क्यों मुझे करंट लगवाने लगी? वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा बात सुन, ये ले पैसे और गोभी आलू बना लेना और जल्दी से वर्दी मेरी इस्त्री कर, मैंने थाने भी जाना है। और नाश्ता बना के ला मुझे जल्दी से। जी अब्बा। अरे जीता रहे मेरा बच्चा, खुश रहे, इतना बड़ा हो जाए तारों को छूले, आसमान वाले। शमी मारा यार, तारे जो है तो आसमान पर ही होते हैं, आपको तारों को छूले के साथ आसमान वाले कहने की क्या जरूरत थी भला? जरूरत थी, पहले नहीं थी लेकिन अब मैं डर गई हूँ। याद नहीं कुतुबुद्दीन को बचपन में यही दुआ दिया करती थी, इतना बड़ा हो जाए मेरा बच्चा तारों को छूले। देख लो कैसी दुआ कबूल हुई मेरी, हर वक्त बिजली की तारों पे लटका रहता है, दिन में दसियों दफा छूता होगा मेरा बच्चा बिजली की तारों को। अरे शमी मारा, ये ख्याल तो हमको कभी आया ही नहीं, क्या खूबसूरत ख्याल है भाई। वाह वाह वाह, नहीं मतलब वाह 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 वाह, क्या खूब। यानी हमें आज अंदाजा हुआ कि कुतुबुद्दीन के इलेक्ट्रिशियन बनने में आपकी दुआओं का किस कदर असर है। अरे खाकता माई, मैं तो चाहती थी कि मेरा बच्चा तुम्हारी तरह नकारा ना बने, इलेक्ट्रिशियन बन गया, भला ये भी बिजली का काम कोई काम हुआ? मेरा बच्चा पूरे दिन बिजली की तारों पे लटका रहता है, मेरा दिल दहलता रहता है। बाहर भी कोई कौवा काहे काहे करता है ना, तो ऐसा लगता है कुतुबुद्दीन करंट लगने से चीख है। क्या कह रही है शमी मारा, मिसाल तो ढंग की दीजिए, आप बेटे की आवाज को कौवे की काहे से मिला रही हैं। आवाज को नहीं, चीख को। अब चीखते हुए इंसान को थोड़ी पता चलता है कि वो किस आवाज में चीख रहा है, और वो भी करंट लगने के। वाकई हमको तो पता ही नहीं लगा हम किस आवाज में चीखे, बहुत ही मरखनी है ये। तू ही हिल लिया कर। देख मुझे ना तुझसे इस तरह छुप छुप के मिलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तू एक काम किया कर, अपनी ना घर की कोई चीज खराब कर दिया कर, और ना मैं तुझसे बेधड़क मिलने आ जाया करूंगा।
मैंने आज सुबह कोशिश की थी वो इस्तरी खराब करने की, मगर इतना तेज मुझे करंट लगा कि मैं ही उससे चिपक के रह गई। तो इस्तरी ऑन करके कौन खराब करता है बावली? अरे वो अब आ गई थी ना, तो बस मैंने घबराहट में कर दिया। और तुझे चीजें खराब करने की क्या जरूरत है? तू बस अब्बा से झूठ मूठ बोल दिया कर के फला चीज खराब हो गई है, इलेक्ट्रिशियन को बुला दे, मैं आ जाऊंगा तुझसे मिलने। हाँ तू मेरे अब्बा को बहुत सीधा समझता है ना, हर चीज वो छू छू के चेक करता है कि खराब हुई भी है कि नहीं हुई है। तो फिर एक काम किया कर, अपने अब्बा को चिपका दिया कर किसी चीज से। खुद को चिपका लिया बावली, अगर तुझे कुछ हो जाता तो कभी सोचा तेरे बगैर मेरा क्या होगा? और तू जानती है मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। और अगर तू मुझे ना मिली ना, मैं बता रहा हूँ मैं बिजली के तार पकड़ के खुदकुशी कर लूंगा। हाँ मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकती, तू एक काम करना मुझे साथ लेके खुदकुशी करना। हाँ ये ठीक है, अगर हम दोनों एक ना हो सके तो खुदकुशी कर लेंगे साथ। हाय कितना रोमानी और फिल्मी सीन होगा ना, कि मैंने एक हाथ से नंगी क्या बिजली की नंगी तारे पकड़ी होंगी। पूरी बात तो सुना कर जज्बाती, एक हाथ से बिजली की नंगी तारे पकड़ी होंगी और दूसरे हाथ से तुझे थामा हुआ होगा और बिजली की चिंगारियां जोर जोर से निकल रही होंगी, जैसे हमारी शादी में आतिशबाजी हो रही हो और हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए जोर जोर से तेज तेज खा रहे होंगे। हम उस वक्त भी खा रहे होंगे बिजली के झटके। ठीक है पड़ गए झटके। तेरे अब्बा भी ना हर सीन में अंडरटेकर की तरह एंट्री मारते हैं। अब जी अब्बा और समझिए जो अक्स मुझे पना हूँ। चाय लाएं। कुतुबुद्दीन ना किसी दूसरे काम से घर से बाहर गया है, लिहाजा अभी तक घर में माचिस नहीं आ सकी। तुम जाके खुद माचिस क्यों नहीं ले आते? तुम पर इतनी नवाबी क्यों छाई हुई है? क्यों ना छाए नवाबी, 27 पुश्तों से नवाब चले आ रहे हैं, तुमने शायद हमारा शजरा गौर से अभी तक पढ़ा नहीं है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा शजरा, और क्या फायदा ऐसे शजरे का जिसे दिखा के तुम 1 किलो आटा तो ला नहीं सकते। हमारे नवाबी शजरे का मवाजना 1 किलो आटे के साथ, यानी हद हो गई शमीमारा बेगम, 27 पुश्तों तक हमारे पुरखों की रूहें बिलबिला उठती होंगी। और 27 बरसों से जो मैं बिलबिला रही हूँ उसका क्या? मेरी मानो मिर्जा तो इस शजरे को आग लगा के एक कप चाय बना के पी लो, माचिस लाने की जहमत से भी बच जाओगे। हमको नहीं पीनी ऐसी चाय जिसमें हमारे अजदाद का खून शामिल हो और जली हुई चर्बी की बू भी। तुमने एक माचिस के चक्कर में हमारे अजदाद की चर्बी भी पिघला दी। मिर्जा ठीक है, हम आपको मलिक साहब की दुकान से उधार पे माचिस ला के दे देते। हाँ तुम उधार के अलावा और कुछ क्यों सोचोगे मिर्जा? तुम्हारे पेशो गालिब भी तो जिंदगी भर उधार की पीते रहे, मगर चलो उनकी फाका मस्ती रंग तो ले आई, उन्हें वजीफा तो मिल गया, मगर तुम्हारे लिए वजीफे पढ़ पढ़ के मेरा मुंह खुश्क हो गया लेकिन तुम्हें वजीफा ना मिला। मिलेगा, जरूर मिलेगा, जितने बड़े हम शायर हैं एक ना एक दिन हमें जरूर तस्लीम कर लिया जाएगा। खाक तस्लीम करेगी, तखल्लुस भी रखा तो वो भी बदनाम, मिर्जा मोहियुद्दीन बदनाम। अरे जो खुद अपने आप को बदनाम कहे उसे हुकूमत क्या नेक नाम करेगी, क्या वजीफा क्या एजाज देगी, कुछ भी नहीं मिला तुम्हें। एक दिन मिलेगा और आप देख लीजिएगा इस घर में खुशहाली आएगी। सिर्फ खुशहाली ही होगी, उस वक्त मैं नहीं होंगी इंशाल्लाह, और यकीनन आप भी नहीं होंगे। अल्लाह ना करे। इस नाम मुल्क में शायरों को मरने के बाद ही तस्लीम किया जाता है, और वो भी अगर किसी काबिल हो तो। ऐसा तो ना कहो। वालेकुम अस्सलाम। ओए कहाँ थी तू, इतनी देर से कुंडी क्यों खोली है? वो अब्बा मैं अंदर थी। अंदर? ओए ओए चौधरी बशारत की बेटी अंदर? ओए चौधरी बशारत हवलदार की बेटी अंदर नहीं हो सकती, ये किसने जुर्रत की है? अब्बा मैं घर के अंदर थी। अच्छा आप चले अंदर। कुंडी तो लगा लूं पहले जरा। अच्छा मैं लगा दूंगी, आप अंदर चले। देखिए वैसे भी आप थके हुए ना, चलिए। अच्छा अब्बा वो चले ना। ओ चल ना अंदर, तुझे क्या हो गया है, आज पोतरी क्यों है? अब्बा वो घर का फ्रिज खराब हो गया है। मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला लूं? और पहले मैं चेक करूंगा। मैं चेक कर चुकी हूँ ना, मैंने खुद देखा कि वो खराब हो चुका है, उसको बुलाने दीजिए ना। अच्छा बुला ले। बुला लो। हाँ बुला ले। आ जा। आ गया। सलाम खालू।
ओए लड़की औलाद, तू क्या मेरे दरवाजे के आगे खड़े रहता है?